चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद बी देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सी। अच्छा, फाइनली रिमूव अवे फ्रॉम बोथ द न्यू फोर्स बिटवीन द बी एंड सी। अच्छा, पहली बात तो दो बॉडीज हम ले लेते हैं बी और सी, बी एंड सी, दोनों पे चार्ज हम प्लस क्यू मार्क कंसिडर कर लेते हैं, सेम बोला है ना क्वेश्चन में, रेडियस भी सेम है और इक्वल चार्ज भी है। देखो यहाँ लिखा होगा इक्वल रेडियाई एंड इक्वल चार्ज, तो क्यू ले लेते हैं। चलो, तो रेडियस भी सेम है, आर इसका भी, आर इसका भी, ठीक है। अब दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, एफ बी सी इसको कह दिया, इसको कह दिया एफ सी बी, करेक्ट है। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ बी सी इज इक्वल टू एफ सी बी इज इक्वल टू एफ, क्या वैल्यू होगी, के इंटू प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं आर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो फोर्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक थर्ड चार्ज लेके आए जो कि अनचार्ज था, फिर तो थर्ड चार्ज को हम मान लेते हैं जेड, ठीक है, या डी मान लो, डी कंसिडर कर लो, थर्ड चार्ज, थर्ड बॉडी है, चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है, डी है, इसको पहले इससे टच कराया तो क्या हुआ, जब इसे टच करा के हटाएंगे तो आधा आधा चार्ज दोनों पे आ जाएगा 50-50, यानी इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू बाई टू बी पे, सी डी पे भी प्लस क्यू बाई टू आ जाएगा। उसके बाद आप इस पे जब टच कराओगे तो फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे क्यू बाई टू आ चुका है और उस पे प्लस क्यू है, तो क्यू और क्यू बाई टू का हाफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू कितना होगा, थ्री क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा, थ्री क्यू बाई फोर, तो थ्री क्यू बाई फोर दोनों पे आएगा, तो सी पे भी कितना आ जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर आ जाएगा। अब दोनों के डिस्टेंस वही है, अब रिपल्शन का फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स, फाइनल फोर्स, फाइनल फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, के पहले का चार्ज, पहली बॉडी का चार्ज इंटू दूसरी बॉडी का चार्ज, थ्री क्यू बाई फोर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो के क्यू स्क्वायर बाई थ्री क्यू स्क्वायर बाई एट आर स्क्वायर होगा, तो एफ फाइनल हो गया, ये पूरी वैल्यू कितनी है, इतनी, यही तो एफ है, देखो जरा के क्यू स्क्वायर बाई आर के स्क्वायर, तो थ्री एफ बाई एट नहीं हो गया, देखो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, एफ फाइनल इज इक्वल टू थ्री बाई एट इंटू एफ, ये होगा थ्री एफ बाई एट, थ्री बाई एट होगा, थ्री एफ बाई एट, ये ऑप्शन सही है ना, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।